सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके प्ले स्टोर से जुड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। दोस्तों, अगर आपने अपने फ़ोन को रीसेट कर दिया है और उसके बाद आप अपने प्ले स्टोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो गाइज मुझे भी एक इसी तरह की प्रॉब्लम फेस हुई थी। मैंने अपने फ़ोन को रीसेट किया था तो मैंने वहाँ से स्क्रीन शॉट ले लिया, तो यहाँ पर लगातार मेरे को फेस हो रहा था चेकिंग इन्फो, तो ये आगे नहीं बढ़ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो गाइज उसके बाद मेरे सामने इस तरह की प्रॉब्लम भी आ गई। तो गाइज इस प्रॉब्लम को मैंने किस तरह से सॉल्व किया वही आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस होती है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आपको बताते हैं किस तरह आप इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको अपने फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद फोन की सेटिंग पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश जरूर करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। इसके साथ ही गाइस इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। फिर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन ढूंढना है ऐप्स वाला, आपको इस पर क्लिक करना है। मैनेज ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर टैप करना है। तो आपके सामने एक नया पेज आएगा कुछ इस तरह से, आपको ऊपर सर्च बार दिखेगा, नीचे ढेर सारी एप्लीकेशन जो आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो रखी है वो सभी आ जाएगी। या तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर प्ले स्टोर को ढूंढ सकते हैं, या फिर इजी वे आपको बताता हूँ, सर्च बार पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको सर्च करना है प्ले स्टोर। तो गाइज प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन आपके सामने आ जाती है, आपको इस पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको एक बार इसको करना है यहाँ से फोर स्टॉप। उसके बाद दोस्तों आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करना है, यहाँ से करना है इसका क्लियर कैच, फिर आपको अगेन क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक करना है, यहाँ से कर देना है इसका क्लियर ऑल डाटा, फिर आपको डाटा यूसेज पर भी क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये दोनों ऑप्शन देखने होंगे, मोबाइल डाटा और बैकग्राउंड डाटा। अगर इनमें से कोई भी इस तरह से डिसेबल हो रखे हैं तो आपको दोनों को इनेबल कर लेना है, जिसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अगर आपके फ़ोन के अंदर इस तरह की सेटिंग देखने को नहीं मिलती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर तो आपको दिख ही रहा होगा, आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है, आई बटन है जो ये ऐप इन्फो वाला, इस पर क्लिक कर देना है, तो सेम सेटिंग वैसे ही निकल जाएगी, यहाँ से आप सेम वो सेटिंग कर लेना। उसके बाद आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आपको एक बार नोटिफिकेशन बार को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ से एरोप्लेन मोड को इनेबल करना है और उसके बाद आपको इसको डिसेबल कर देना है, बस दोस्तों जस्ट इतना करना है। उसके बाद जैसे ही आप अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो वो 101% वर्क करने लग जाएगा और उसके बाद दोस्तों जो आपकी ईमेल आईडी है आप उसको यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आपकी जो प्रॉब्लम है 2024 के अंदर सॉल्व हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।